देखिए भैया, मैं फिर से आ रहा हूँ आपको एक और बात करना, फिर से एक और किसान भाई से मैं बात कर रहा हूँ खेती किसानी के बारे में, खेती करने में कितना मेहनत पड़ रहा है। और अभी जो है खेत का जो इसको क्या बोलते हैं इसको घास जो खेत जो जुताई हो गया है और घास इसको छांट छांट के है ना, जब तक छांट ये सब ऐसे ऐसे निकालते हैं, अब यही काम अभी जैसे खेत का चल रहा है, उसके बाद इसमें धान का बिछन बुआई होगा और बिछन बिचरा करके मैं इसको जरा रख देता हूँ अरे पे, और बिछन बिचरा होकर के मैं चप्पल खोल बिछन बिचरा कर उसके बाद इसमें धान की बुआई होगा। वो तो बरसात तो भगवान भरोसे रहता है, और भगवान अगर बरसात अच्छा हो जाए तो बिछन जो धान इसका जो बिछन हो जाएगा, जब इसमें खाद पानी डालेंगे और खाद पानी डालने के बाद जो बिछन जो थोड़ा थोड़ा डबल जो हो जाएगा, उसके बाद इसमें जब उधर खेत भी माने जुताई उताई करके पूरा तैयार हो जाएगा, और उसके बाद बिछन का जब बिचर एक एक करके उसको जब एक एक बीते पर रोपेंगे, जैसे यहाँ पर रोपे उसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ पर, मतलब कि एक एक बीता हटा करके रोपना है। और उसके बाद जब खाद पानी उसको घास को जैसे कि फालतू जैसे घास होता है ना उसको जो उसको हम लोग हमारे बिहार में उसको कमोट बोलते हैं, कमोटी, तब यही खेत का भी कमोटी का काम चल रहा है। और जब बिछन जब तैयार हो जाएगा तो उसमें कमोटी करेंगे, उसके बाद बिछन और फ्रेश निकलेगा, उसके बाद खेत की जो रुपाई होगा वो रुपाई करने के बाद एक बार और कमोटी करेगा ताकि फालतू का जो इधर उधर का घास उसमें न पनपे। और उसके बाद धान की जो बाल जो निकलेगा उसके बाद खाद पानी डालेंगे, उसके बाद जो 3-4-5 महीना परिश्रम करने के बाद आपको जो धान की कटाई होगा, उसके बाद धान को घर पे ढुलाई होता है, और उसके बाद मकर संक्रांति बोलते हैं मकर संक्रांति, और यही पंजाब में उसको ऐसा ही कोई पर्व नाम से पुकारा, और झारखंड में उसको लोहड़ी पर्व के नाम से पुकारे जाते हैं, लोहड़ी पर्व के नाम से, और हमारे बिहार मकर संक्रांति उसके इसलिए मकर संक्रांति मनाते हैं कि जो खेत से अनाज जो आता है ऊपर करके जो घर तक पहुँचता है, उसीलिए मकर संक्रांति मनाते। मेहनत किसान करने भाई बहुत मेहनती काम है, जैसे कोई लड़का बोलता है कि हम आईए BSc कर लिया मगर नौकरी, अरे नौकरी क्या, कोई भी नौकरी करो, मान कर चलो जब किसान नहीं रहेगा तो कोई इंसान का क्या भाई जीवन कैसे चलेगा। मैं अभी मैं आपको ओम प्रकाश जी से बात कराना चाहता हूँ, जी नमस्कार, और आइए आपको मैं बात करा रहा हूँ।